सात लौंग रख दें इस जगह, आपके संपर्क में जो व्यक्ति आएगा आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगेगा, आपका पिच लगू हो जाएगा, आप उसको अच्छे लगने लगेंगे। ऐसा प्रताप होता है लौंग का। बहुत तांत्रिक क्रियाएं लौंग से की जाती हैं। शत्रुओं को परास्त करने का उपक्रम हो या कार्य सिद्धि हो या वशीकरण हो, बिना बात के झगड़ा हो रहा हो उसको सॉल्व करने के लिए हर प्रकार का उद्गम आपका सफल होता है। और भैरव, काली और हनुमान सिद्धि भी आप लौंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपर्पज़ गुणों से युक्त है लौंग, और लौंग एक लता पुष्प है जो सुगंध और मसाले के साथ साथ खान पान, आयुर्वेद, मांगलिक कार्य और तांत्रिक क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाला मसाला है। ये छोटे छोटे तांत्रिक प्रयोगों में संजीवनी का काम करता है, आपके प्रत्येक कर्म को सिद्ध करता है जो बहुत कारगर होते हैं। और ये लौंग के बिना अधूरी है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लौंग आपके फ़ायदे को कई गुना बढ़ा देती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। व्यूवर, सब्सक्राइबर, आप यूं ही खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, तरक्की करते रहें और आपको सफलता मिलती रहे हर काम में। धन आपके इशारों पे नाचे, आपके घर में पैसे ही पैसे हों, जेवर ही जेवर हों, गाड़ियाँ ही हो, बंगला हो और हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो। इसी दुआ के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपका शत्रु सिर उठा रहा है और जीने नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, प्रातःकाल 7 बार हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और 5 लौंग पूजा स्थान में देशी कपूर के साथ जलाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। शत्रु आपकी कुछ भी बुरा नहीं कर पाता है और हर क्षेत्र में उसकी हार होती है। वशीकरण के लिए वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार को पेड़ के नीचे कुछ लौंग दबा दीजिए और 7 दिन तक उस पर गंदी चीज़ें डालें, तो 8वें दिन लौंग उस व्यक्ति को खिलाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। 2 साबुत फूलदार लौंग अगर अपनी जीभ के मैल उस पर लगाते हैं और पान के साथ किसी को खिला देते हैं तो उसका वशीकरण हो जाता है, वो आपके हाँ में हाँ मिलाने लगता है। अगर 7 लौंग कपड़े की पोटली में बांध कर आप ऐसी जगह पर रखते हैं जो आपको किसी को दिखाते नहीं हैं, तो आपको काली मंत्र का जाप करना है 1188 बार, और किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। और लौंग को सुखाकर उसका चूर्ण बनाएं, उसको जिसको भी खिलाएंगे, पान में खिला दीजिए या कैसे भी खिला दीजिए, वो पुरुष या स्त्री जिसका आप वशीकरण कर रहे हैं वो आपके वश में हो जाएगा। 9 लौंग लेवें और उसको बैंगन के पेड़ में अंदर गाड़ दीजिए और लाल कपड़े में बांधकर बैंगन की जड़ पर प्रतिदिन भैंसे का मूत्र पानी में मिलाकर डालें, आपको लाभ होगा और आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपको लेनी है 21 लौंग और 108 मंत्रों से सिद्ध करना है। आप भैरव जी का मंत्र भी जप सकते हैं, काली माता का मंत्र भी जप सकते हैं और हनुमान जी का सिद्धि भी कर सकते हैं। और प्रणाम की मुद्रा रखनी है और जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगेगा, आपका पिच लगू हो जाएगा और आपके कल्याण के सोचने लगेगा, आपका अच्छा ही अच्छा सोचने लगेगा। तो ऐसा प्रताप होता है लौंग का। आप लौंग के प्रयोग करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री, आपके हितैषी। इसी तरह की जानकारी लाते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी के साथ जय भैरवनाथ, जय काली माता और जय हनुमान जी अवश्य बोलें, जय श्री राम भी बोलें। जय श्री राम बोलने से भगवान हनुमान आप पर प्रसन्न होते हैं। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ।